शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस को समझने के लिए आप लोगों को एक चीज़ आना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। आप लोगों ने अगर लेक्चर नंबर 2 देख लिया है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें कराई थी, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। मतलब मेरा उस मेन वीडियो में मोटो ही यही था कि आप लोगों को इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस समझ आ जाए, क्योंकि एक बार अगर आप लोगों को वो वाला टॉपिक ढंग से समझ में आ गया तो आप लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देख लिया है, वेल एंड गुड, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा किया और अब आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। बट अगर बाय चांस आप लोगों का वीडियो रह गया है तो उसके लिए आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे फिर आप इसको देखेंगे, आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम समझने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ टू लाइंस। तो यहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली किस तरीके से बनते हैं कि आपसे बोल देगा कि ये दो लाइन आपको गिवन है, बताओ कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरा आपसे बोलेगा कि ये दो लाइन कभी इंटरसेक्ट करती भी हैं या नहीं, ये आप चेक करो। तो पहला तो आपसे चेक करने को बोल सकता है, आपको पॉइंट फाइंड आउट करने को बोल सकता है कि कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। और ये दोनों चीज़ें आपको कभी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे देगा, तो कभी आपको लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे सकता है। तो ये चार पांच टाइप के क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जाते हैं, और हम सारे ही क्वेश्चन को आज के सिंगल लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। तो अब शुरू करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो अगर मैंने यहाँ पर दो लाइन मेरे पास में मान ली, पहली लाइन हमारे पास में आर इज इक्वल्स टू ए वन प्लस लैमडा बी वन, दूसरी लाइन हमारे पास में आर इज इक्वल्स टू ए टू प्लस म्यू बी टू, ये हमने अलग अलग दो लाइन मान ली। अगर मैं इस फर्स्ट लाइन की बात करती हूँ तो यहाँ पर हमारे इसकी कार्टेशियन इक्वेशन हमने क्या मानी हुई है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये हमने इसकी फर्स्ट की कार्टेशियन इक्वेशन मानी है। एंड ये जो इक्वेशन हमारे पास में, ये हमने सेकेंड वाली की कार्टेशियन इक्वेशन मानी है। सबसे पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म की यहाँ पर बात करती हूँ तो हमें पता है कि अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात कर रही हूँ, आर इज इक्वल्स टू ए वन प्लस लैमडा बी वन, सिर्फ फर्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं अब यहाँ पर, एंड इसकी कार्टेशियन इक्वेशन ही है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स वाई एंड जेड फाइंड आउट करूँ तो एक्स वाई जेड हमारे पास में क्या हो जाएंगे, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लूँ एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल्स टू लैमडा, यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए वन लैमडा प्लस एक्स वन, ये आ जाएगा एक्स, यहाँ से आ जाएगा एक्स वन प्लस ए वन लैमडा। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर देखेंगे वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल्स टू लैमडा, यहाँ से वाई आपके पास में आ जाएगा बी वन लैमडा प्लस वाई वन, एंड जेड आपके पास में आ जाएगा जेड वन प्लस सी वन लैमडा। तो ये हमारे पास में फर्स्ट एक्स वाई जेड आ गए फर्स्ट लाइन से। इस तरीके से हम लोग सेकेंड लाइन से एक्स वाई एंड जेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकेंड लाइन हमारे पास में आर इज इक्वल्स टू ए टू प्लस म्यू बी टू, इसके लिए हमारे पास में कार्टेशियन इक्वेशन जाएगी ये, एंड जब आप यहाँ से एक्स वाई जेड को फाइंड आउट करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स टू प्लस म्यू ए टू, वाई हो जाएगा वाई टू प्लस बी टू म्यू, एंड जेड हो जाएगा जेड टू प्लस सी टू म्यू। तो एक्स वाई एंड जेड आपके पास में आ गए, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास में दो लाइन की इक्वेशन है, हमने यहाँ से इस लाइन के लिए एंड इस लाइन के लिए एक जनरल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अब हमें सिंपली क्या करना है, लैम्डा एंड म्यू के फाइंड आउट अगर हम कुछ वैल्यू रखते जाएंगे तो हमारे पास में लाइन में आने वाले पॉइंट्स आते जाएंगे। बट अब हमारे पास में क्या बोला है कि दोनों लाइन आपस में कर रही हैं इंटरसेक्ट, तो जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट क्या होगा, इन दोनों लाइन के लिए कॉमन रहेगा। अगर वो पॉइंट लेट अस सपोज हमने मान लिया वन टू थ्री है, वन कॉमा टू कॉमा थ्री है, तो इसका मतलब क्या है कि वन टू थ्री इस वाली लाइन पर भी लाया करेगा एंड वन टू थ्री दूसरे लाइन पर भी लाया करेगा। मतलब क्या है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो दोनों ही आपकी लाइंस पर लाए करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में ये जो जनरल पॉइंट आए हैं, यहाँ से अगर हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं तो वो दोनों ही लाइंस पर लाए करने चाहिए। मतलब अगर मैं एक्स की बात करी हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, जो हमारे पास में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, वो दोनों ही पॉइंट्स दोनों ही लाइन पर लाए करने का मतलब क्या है कि जो एक्स इस वाली लाइन के लिए है वही दूसरी वाली लाइन के लिए होगा। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होने वाले। मतलब एक्स वन प्लस ए वन लैमडा इज इक्वल्स टू एक्स टू प्लस ए टू म्यू, दोनों एक्स क्या हो जाएंगे इस लाइन के इक्वल हो जाएंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन पर। इसी तरीके से उसी पर्टिकुलर कंडीशन में वाई दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड जेड भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। आपके पास में तीन इक्वेशन आ जाएंगी कि आपने दोनों के एक्स को इक्वेट किया, आपने दोनों के वाई को इक्वेट किया एंड आपने दोनों के जेड को इक्वेट किया। यहाँ से आपके पास में तीन इक्वेशन आ गई। अब आपसे क्वेश्चन के टाइप क्या होंगे, पहले आप लोगों ने यहाँ तक समझ लेंगे। एक बार मैंने क्या बोला कि हमने दो लाइन ली थी, उनके जनरल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए, दोनों के कोऑर्डिनेट के एक्स वाई एंड जेड को हम लोगों ने इक्वल कर दिया और हमारे पास में तीन इक्वेशन आ गई हैं।
इन तीन इक्वेशन में आपको क्या करना है, दो इक्वेशन को सॉल्व करनी है एंड थर्ड वन को वेरीफाई करना है। मतलब कि जब आप यहाँ से इसको और इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन में एक्स टू ए वन, एक्स टू ए टू, वाई वन वाई टू, बी वन बी टू, इन सब की वैल्यू गिवन होगी हमेशा से, एंड आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू नहीं पता होगी। तो लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू को हम लोग दो इक्वेशन को लेकर के सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने के पास हमारे पास में आ जाएंगी लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू, इनको यहाँ पर पुट करके देख लेंगे, वेरीफाई करा लेंगे। अगर वेरीफाई होता है, अगर तीसरी क्वेश्चन वेरीफाई हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर हुआ? अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं और वहां से देखते हैं हमें क्या पता चलता है। ओके, क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं हम लोग आगे। ये सारी चीज़ों का आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही डिटेल प्रूफ है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके से करा देती हूँ जिसमें हम लोगों से बोला है कि शो करना है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। आपको शो करना है कि जो लाइन आपको गिवन है वो इंटरसेक्ट करती हैं या फिर नहीं करती हैं। तो लाइन आपको क्वेश्चन में कुछ भी तरीके से हो सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे कि अगर हमारे पास में यहाँ पर लाइन है एक्स माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू जेड माइनस वन अपॉन फाइव इज इक्वल्स टू, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, एंड सेकेंड लाइन आपके पास में है एक्स प्लस टू बाई फोर अपॉन वाई माइनस वन बाय थ्री अपॉन जेड प्लस वन बाय माइनस टू। ये हमारे पास में दो लाइन है और आपसे बोला है कि बताइए क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम इन लाइन के जनरल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं इस वाली फर्स्ट लाइन से बात करती हूँ जनरल कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो यहाँ से मेरे पास में जनरल क्या आ जाएंगे, अगर मैं इसको लैम्डा के इक्वेट कर लूँ, यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू थ्री लैम्डा प्लस वन, एक्स क्या आ जाएगा थ्री लैम्डा प्लस वन, y मेरे पास में यहाँ से क्या आ जाएगा टू लैम्डा माइनस वन, एंड z हमारे पास में क्या आ जाएगा फाइव लैम्डा प्लस वन। ये तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, x माइनस वन अपॉन थ्री को एक बार हमने इक्वेट किया लैम्डा के, यहाँ पर जब आप इक्वेट करेंगे x माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू थ्री लैम्डा प्लस वन। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ से x y एंड z फाइंड आउट किए। अब आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन से x y एंड z निकालने। तो यहाँ से जब आप x निकालेंगे, x हमारे पास में आ जाएगा, इसको हम इक्वेट कर देते हैं म्यू के पूरी लाइन को, x आ जाएगा 4 म्यू प्लस 4 म्यू माइनस 2। इसी तरीके से y आपके पास में क्या आ जाएगा 3 म्यू प्लस 1, एंड z आपके पास में क्या आ जाएगा, z आपके पास में आ जाएगा माइनस 2 म्यू माइनस 1। ये हमारे पास में तीन तीन आ गए x y एंड z के जनरल कोऑर्डिनेट। अब क्योंकि हमें शो करना है कि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं, तो हम दोनों के ही x x को एक दूसरे के साथ में इक्वेट करते हैं। अगर आप x x को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि हम बोल सकते हैं x इसके तरफ से आया 3 लैम्डा प्लस 1, इसकी तरफ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपके पास में 4 म्यू माइनस 2। ये दोनों एक दूसरे के इक्वेट हो गए। सेकेंड आप इक्वेट करेंगे y को, अगर मैं यहाँ से y को इक्वेट करूँ तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 जो कि यहाँ से आया है, और यहाँ से आपके पास में आएगा 3 म्यू प्लस 1। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वेट हो गए। अब सेकंड आपको, थर्ड आपको करना है जेड को इक्वेट। तो जेड हम जब इक्वेट करेंगे हो जाएगा हमारे पास में 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 म्यू माइनस 1। अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है शो करिए लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं, तो आपको कोई भी दो इक्वेशन उठानी है और उनको सॉल्व करके लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकालनी है, एंड उसकी वजह से आपको थर्ड में पुट करके देखना है कि वेरीफाई हो रही है या नहीं। तो हम सबसे पहले इन दोनों का यूज़ करते हैं एंड लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब आप यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास में 3 लैम्डा आ जाता है 4 म्यू माइनस 2, ये प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ये 3 लैम्डा की हमारे पास में वैल्यू आ गई 4 म्यू माइनस 2 माइनस 1 आपके पास में हो जाएगा माइनस 3। तो ये हो गया आपके पास में 4 म्यू माइनस 3, और लैम्डा हमारे पास में फिर क्या हो जाएगा, 3 आपका नीचे जाएगा तो लैम्डा हो जाएगा 4 म्यू माइनस 3 बाय 3। क्लियर हुआ? आप इस लैम्डा को ला करके यहाँ पर पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 2 लैम्डा, हमारे पास में क्या गिवन है, यहाँ से देखिए लैम्डा आ चुका है 4 म्यू माइनस 3 अपॉन 3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 म्यू माइनस 3 म्यू प्लस 1। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 है ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 8 म्यू माइनस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल्स टू अपॉन में 3 चली रहा है इज इक्वल्स टू थ्री म्यू प्लस वन, और ये जो माइनस वन है ये इधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में कुछ इस तरीके से आ चुका है कि एट म्यू माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू योर थ्री म्यू प्लस टू, क्लियर हुआ? अपॉन में इसके थ्री डिनोमिनेटर में चली रहा है। अब इस थ्री को उधर लेकर के जाएंगे, ये हमारे पास में आ जाएगा एट म्यू माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स थ्री म्यू प्लस टू, यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, सिंपली आप कह सकते हैं कि एट म्यू माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू थ्री इंटू थ्री नाइन म्यू प्लस थ्री इंटू टू सिक्स, 8 म्यू माइनस
यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 9μ - 8μ, 1μ इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा 6 आपका माइनस का होने के लिए, 6 6 - 12 हो जाएगा एंड म्यू की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, -12। क्लियर हुआ, म्यू आपके पास में आ चुका है -12। एक बार हम चेक कर लेते हैं, म्यू -12 ही आ रहा है। ओके, तो म्यू हमारे पास में आ चुका है -12। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लैम्डा की। जब आप यहाँ पर अपने म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, जब आप यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा आपके पास में क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 4 - -12 -3/3। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा -3/3। तो 4 - -12, यहाँ से आप 3 को बेशक कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे हमारे पास में हो जाएगा 3, 4 - -4 यहाँ पर आ जाएगा -1/3, 3 से आपका 3 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा -16 - 1 दैट इज इक्वल्स टू -17। तो आपने कि लैम्डा आपके पास में आ रहा है -17 एंड म्यू आपके पास में आ रहा है -12। अब इन दोनों की वैल्यूज जब आपके पास में आ चुकी है तो हम जेड को इक्वेट करके देखेंगे क्या थर्ड इक्वेशन वेरीफाई कर रही है या फिर नहीं। तो थर्ड इक्वेशन आपके पास में हो रही है 5λ + 1 इज इक्वल्स टू -2μ - 1। आप यहाँ पर पुट करिए वैल्यू को, आप देखेंगे हो जाएगा 5 - -17 प्लस आपके पास में, आप इसको पुट करके देख सकते हैं। इस वक्त मेरे को वीडियो को स्टॉप करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पीछे जो है गाने चल रहे हैं थोड़े से, तो बैकग्राउंड म्यूजिक में कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो हम आगे वाली क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, टिल देन बाय बाय। तो फाइनली अब गाने बंद हो चुके हैं, अब हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में क्या हो चुका है, जेड आ चुके हैं, हम दोनों को इक्वेट करेंगे। लैम्डा हमारे पास में आया था, लैम्डा हमारे पास में आ गया है -17 एंड म्यू हमारे पास में आ चुका है -12। अब हम जेड के लिए इक्वेशन बनाएंगे थर्ड और इन दोनों को इक्वेट करेंगे। यहाँ पर जेड है आपके पास में -2μ - 1 एंड दूसरा जेड है आपके पास में 5λ + 1। तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास में जेड के लिए सबसे पहले हमारे पास में एक आइडिया होता है कि हम क्या करते हैं, दोनों को एक बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये उधर जाएगा 5λ2+μ हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो ये हमारे पास में हो जाएगा इक्वल्स टू -2। अब आप वैल्यूज को पुट करेंगे लैम्डा एंड म्यू की, ये हो जाएगा 5, लैम्डा आपके पास में आ रहा है -17 प्लस 2, म्यू आपके पास में आ रहा है -12। इसको देखना है कि क्या ये -2 के इक्वल हैं। तो हम पहले LHS को ले लेते हैं। तो LHS जब आप लेकर चल रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि LHS आ जाएगा आपके पास में -85 प्लस यहाँ पर आ रहा है -24। तो ये आपके पास में आ जाएगा -109। क्या -109 इक्वल है -2 के? नहीं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास में है -2। आपको सिंपली कहना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि बीच में वीडियो पॉज हो गया था। तो अब हम लोगों ने किया क्या कि हमें दो लाइन गिवन थी, हमने वहाँ से जनरल कोऑर्डिनेट निकाले एक्स वाई एंड जेड के। अब हमने क्या करा, दो दो इक्वेशन को सॉल्व किया। पहले एक्स एंड एक्स को इक्वेट किया दोनों के, वाई एंड वाई को इक्वेट किया, दो इक्वेशन आ गई। इनको सॉल्व किया, हमारे पास में लैम्डा आया, बहुत ज़्यादा सॉल्व करते करते लैम्डा एंड म्यू की दो वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन बनाएंगे जेड के लिए, वहाँ पर लैम्डा एंड म्यू के लिए LHS के लिए वैल्यू डालेंगे, RHS के लिए देखेंगे। अगर दोनों इक्वेट कर जाते हैं तो हमारी लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, बट एज यहाँ पर आपके इक्वेट नहीं कर रहे हैं तो लाइन्स हमारे इंटरसेक्टिंग नहीं है। क्लियर हुआ, आपसे क्वेश्चन क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि आपको दो लाइन गिवन है और आपको शो करना है कि क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या फिर नहीं, और ये दो लाइन इस बार हमें वैक्टर फॉर्म में गिवन है। तो वैक्टर फॉर्म में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन से कुछ जनरल कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास में क्या है, फर्स्ट लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू i+j+k + λ3i - j। यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो x हमारे पास में आ जाएगा 1+3λ, 1+3λ आपके पास में आ जाएगा x, y आपके पास में आ जाएगा 1+-λ। ठीक है, कहाँ से निकाल रही हूँ मैं, 1 इसका कोफिशियंट प्लस 3λ, यहाँ पर y के लिए 1-λ, और z आपके पास में सिंपली आ जाएगा -1+0λ। ठीक है, लैम्डा इसमें नहीं बन पा रहा। आगे देखिए, सेकेंड वाली लाइन के लिए अगर हम एक्स वाई एंड जेड को लिखेंगे हो जाएगा 4+2μ एंड वाई हमारे पास में आ जाएगा, वाई यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, तो वाई इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। यहाँ से आपके पास में जेड क्या आ जाएगा, जेड आपके पास में हो जाएगा -1+3μ। ठीक है, तो जेड हमारे पास में आ गया, एक्स वाई जेड के दोनों जनरल कोऑर्डिनेट आ गए हैं हमारे पास में। अब हमें कन्वेंशनली क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है एक्स वाई एंड जेड को। जब आप यहाँ से अपने एक्स को इक्वेट करेंगे हो जाएगा 1+3λ, एक एक्स की वैल्यू यहाँ से आई 1+3λ, दूसरी यहाँ से आ जाएगी, ये हो जाएगा 4+2μ इज इक्वल्स टू 4+2μ। जब आप वाई को जब आप वाइयों जब आप वाइस को जो है
कंपेयर करेंगे हमारे पास में जाएगा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, एंड जब आप जेड को कंपेयर करेंगे दोनों साइड से ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस 1 प्लस 0 लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3 म्यू। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? अब हमें क्या करना है, सिंपली इन दो इक्वेशंस में से हमें लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें कन्वेंशनली मेथड से, मतलब ऐसा फिक्स नहीं हो जाना कि हमें एक्स एंड वाई की इक्वेशन से ही फाइंड आउट करनी है। जो भी आपको दो इक्वेशन ऐसी मिले जहाँ से आप लैम्डा एंड म्यू की इजीली फाइंड आउट कर सकें वैल्यू, वहाँ से आप लोगों को वैल्यू निकाल लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखें तो लैम्डा आपको दिखाई दे रहा है, लैम्डा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड जब मैं यहाँ से बात करूँगी तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3 म्यू, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल होगा एंड लैम्डा सॉरी म्यू आपके पास में आ जाएगा 0। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इजीली हमें यहाँ से मिल गई। तो हमने y एंड z से निकाल ली, अब हम इन्हें x की वैल्यू में पुट करके देखेंगे कि वेरीफाई हो रहा है या फिर नहीं। तो LHS हमारे पास में क्या आ चुका है, LHS आ रहा है 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा का मतलब है 1 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 4, तो LHS आ गया 4। अब अगर मैं RHS की बात करूँ तो RHS है 4 प्लस 2 म्यू, तो 4 प्लस 2 म्यू, म्यू है 0 इज इक्वल्स टू 4, LHS एंड RHS आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब आपने देखा कि दोनों ही इक्वल आ रहे हैं तो वेरीफाई हो गई है आपकी कंडीशन। तो आप बोल सकते हैं कि जो दो लाइन आपको क्वेश्चन में गिवन है ये आपके इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब बाय चांस आपसे ऐसे बोल दे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करिए, अगर सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन में यही बोलेगा कि शो करिए लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं, और उसके बाद बोल देगा आपसे कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब आपको बोल देगा फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो अब आपको क्या करना है, आपके पास में लैम्डा एंड म्यू तो आ चुके हैं, अब आप कोई भी तीन सेट उठाइए, या तो ये वाला सेट उठाइए या फिर नीचे वाला सेट उठाइए, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू को ला करके पुट कर दीजिए। हम ऊपर वाला सेट उठाएंगे अगर, तो हमारे पास में एक्स कितना आ जाएगा, आपके पास में लैम्डा है, आपके पास में है लैम्डा 1 म्यू 0, तो लैम्डा 1 है म्यू 0 है, तो ये आपके पास में आ गया एक्स 4। वाई आपके पास में कितना आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 1, ये हो जाएगा 0। जेड आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 0 लैम्डा माइनस 1। तो एक्स वाई एंड जेड आपके पास में यहाँ से आ गए हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आपका ऊपर वाला सेट नहीं करना, आपको नीचे वाले सेट से उठाना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो एक्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 म्यू, म्यू कितना है 0, तो ये हो गया एक्स की वैल्यू आ गई 4। वाई हमारा यहाँ से भी 0 ही आ रहा है, एंड जेड हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 म्यू, माइनस 1 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 1, तो यहाँ से भी कोऑर्डिनेट 4 0 माइनस 1 आएंगे, ऊपर से आप करोगे यहाँ से भी 4 0 माइनस 1 आएंगे। अगर आपसे बोल देता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो तो आपको क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन द इक्वेशंस, कोई से भी सेट में आपको लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू पुट कर देनी है। सो आई होप कि हमने जितना भी अभी तक समझ रहे हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं, एंड यही दो तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछ जाते हैं। मतलब मेरे पास क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं बट सेम ही आपके जो है टाइप जो है सेम ही है, बस इसमें आपको क्वेश्चंस की वैरायटी मिलेगी कि आर कभी आपको कुछ दे दे कभी कुछ दे दे। तो आपको मैंने दोनों इक्वेशन दोनों क्वेश्चन करा दिए, कार्टेशियन की तरफ से भी करा दिया था मैंने आप लोगों को, वेक्टर्स की तरफ से भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। काफ़ी बार क्या मिलेगा आपको ना, वीडियोज़ के बीच में पॉइंट में कट मिलते हैं, मतलब तो आपको फ्लो थोड़ा बिगड़ जाता है। आप लोग बोलते हो कॉमेंट्स में, एक बच्चे ने बोला था कि एक ही बार में जो है फ्लो में वीडियो बनाया कीजिए, जो बीच बीच में कट लग जाते हैं उनसे आप लोगों को समझने में दिक्कत होती है। सो कभी कभार क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पर मतलब कभी कभार जो है गाने वगैरह चलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है बाहर, मतलब बाहर वाले लोग जो हैं गाने वगैरह चलाते रहते हैं तो उससे क्या होता है ना कि वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आने का थोड़ा सा डर रहता है। तो इस वजह जैसे ही गाने वगैरह बजते हैं तो मेरे को पॉज करनी पड़ती है वीडियो, तो फ्लो में मैं बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि एक ही फ्लो में वीडियो रहे। बट आई होप कि आप लोग समझ सकते हैं, एंड प्लीज़ अगर आप लोग इस चीज़ को बियर कर सकते हैं तो प्लीज़ डू, मतलब सपोर्ट दिखाइए थोड़ा सा, एंड अगर हो पाएगा तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कुछ तरीके से मतलब बंद हो पाए साउंड, बट ऐसा हो भी नहीं सकता ना, मतलब हम नहीं चला रहे, बाहर वाले चला रहे, आप सबको मना भी नहीं कर सकते हो ना। तो इस वजह से आई होप कि आप लोग समझेंगे, एंड जितना भी हम लोगों ने आज की वीडियो में समझा आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। टिल देन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपनी वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा चैनल के सामने, उसको क्लिक कर जरूर कर दीजिएगा, एंड आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आप लोगों को सारे ही लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। प्लीज़ अगर आप लोग से आप लोग शेयर भी कर सकते हैं इसको अपने ग्रुप वगैरह में, जिससे सारे लोगों के पास में वीडियो पहुंच जाया करेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।